हेलो गाइस एंड स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल एसएससी टॉपर्स पर। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी न्यूज़ सारी नोटिफिकेशन एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी आएंगी गाइस सारी आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम एकदम आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और गाइस उसके अलावा आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स हर टॉपिक के टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम क्वालिटेटिव जो कंटेंट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो गाइस आज जो है एक खबर निकल के आई है एसएससी सीजीएल 2018 से रिलेटेड। अभी थोड़े दिन पहले गाइस एसएससी ने जो है अपना एग्जाम शेड्यूल जो है जारी किया था, उसमें डिफरेंट एग्जाम के जो है डेट वहां पे बताए थे सीपीओ वगैरह के। बट गाइस उस नोटिफिकेशन के अंदर एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं था। उसमें नीचे छोटी सी एक लाइन लिखी हुई थी कि जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा, वो एग्जाम कब होगा, वो जल्दी ही आपको जो है यहाँ पे दी जाएगी। तो गाइस इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आज ये न्यूज़ जो है निकल के आई है। तो गाइस न्यूज़ क्या है वही देख लो कि गाइस जो आपका एग्ज़ाम जो है सीजीएल 18 होना था, तो गाइस उसके लिए पहले सबसे पहले एसएससी के पास कोई भी जो है एग्ज़ाम वेंडर नहीं था जो इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कर सके। तो सबसे पहले गाइस एसएससी ने एक नया वेंडर जो है सेलेक्ट किया है। तो गाइस एसएससी की तरफ से ये आप सबको पता है कि टीसीएस आयन जो कंपनी है उसको सेलेक्ट किया गया है गाइस, ठीक है। उसके अलावा गाइस एसएससी सीजीएल 2017 पे जो है ऑलरेडी एक केस पेंडिंग है, जिसका कि गाइस नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो 10th जनवरी है तब है, ठीक है। और आई थिंक गाइस उस पर 90% जो है फैसला जो है उस तारीख को आ सकता है। तो गाइस सभी लोग परेशान थे कि एसएससी सीजीएल की डेट कब आएगी। तो फाइनली गाइस जो आर्टिकल है उसमें क्या न्यूज़ दी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस न्यूज़ ये है, उनका कहना है कि उनके सोर्सेज के अनुसार जो एसएससी सीजीएल 2018 होगा गाइज वो टीसीएस के द्वारा नहीं लिया जाएगा, वो लिया जाएगा गाइज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो गाइज ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की उसके द्वारा। इसके द्वारा क्यों लिया जाएगा गाइज, इसलिए लिया जाएगा क्योंकि एसएससी सीजीएल में गाइज बहुत ज़्यादा चीटिंग के केसेस आए थे सामने निकल के, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा गाइज आरोप लगे थे, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए गाइज गवर्नमेंट चाहती है कि एग्ज़ाम एकदम अच्छे से हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग गाइज एनटीए को इस एग्ज़ाम को देने की तैयारी चल रही है। और जो आपका एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल 2018 का, अगर गाइज इस न्यूज़ को बिलीव किया जाए तो जो है एनटीए वहां पे लेगा। अब गाइज एनटीए क्या है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। तो गाइज कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे इंडिया में जो बहुत ही गाइज प्रीमियम एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो गाइज एनटीए के द्वारा लिया जाता है। उसके अलावा गाइज जी मेट का जो एग्ज़ाम है वो भी एनटीए के द्वारा यहाँ पे लिया जाता है। प्लस गाइज इसके अलावा एक एग्ज़ाम होता है सी पैट का, वो भी गाइज एनटीए के द्वारा लिया जाता है। और गाइज जो जेईई का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो इंजीनियरिंग जो आईआईटी वगैरह के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो भी गाइज यहाँ पे एनटीए के द्वारा लिया जाता है। वो भी गाइज इसलिए क्योंकि पहले गाइज तो एक दो साल पहले गाइज इस आईआईटी के एग्ज़ाम में भी गाइज बहुत सारी खबरें आई थी कि जो है सीट जो है वो बेची जा रही हैं, ये सब काम चल रहा है वहाँ पे। तो उस एग्ज़ाम को भी गाइज अब जो है एनटीए वहाँ पे लेती है। तो गाइज एनटीए एक बहुत ही भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशन है। प्लस गाइज इनका जो प्रोसेस है एक डिफरेंट टाइप का प्रोसेस है गाइज, ठीक है। पूरा गाइज जब इनका एक नेटवर्क है उसके थ्रू ये एग्ज़ाम लेते हैं। एक तो गाइज जो आपका नॉर्मल इंटरनेट है गाइज उस पर ये एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, एग्ज़ाम ऑनलाइन जरूर होता है बट गाइज इनके वर्चुअल नेटवर्क पे पूरा एग्ज़ाम होता है, ये गाइज नॉर्मल इंटरनेट पे एग्ज़ाम नहीं होता। इसके अलावा गाइज हर सेंटर्स पे ये लोग अपने जेमोस ला के रखते हैं। जेमोस गाइज जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल इवन कॉल वगैरह या कोई भी गाइज जो है वहाँ पे पास नहीं होता, जैसे कि कोई भी जो वहाँ पे क्या चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आगे किसी को ना दी जा सके। जैसे गाइज आपने देखा होगा कि जो भी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ उसके जो है फोटो ले लेके क्वेश्चंस के आगे भेज दिए जाते थे, वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके आंसर जो है इनको भेज देते थे। तो उसको रोकने के लिए गाइज ये जो है जेमोस का यूज़ करते हैं। प्लस गाइज उनका पेपर होता है वो पूरा एनक्रिप्टेड पेपर होता है, जो भी गाइज पेपर होता है वो सीधा सेंटर पे जो बंदे का जो कंप्यूटर होता है उस पे आके ही खुलता है, बीच में कहीं उसको जो है ओपन नहीं किया जा सकता, ठीक है गाइज। तो ये आपकी एनटीए है। तो अगर इनके सोर्सेज को बिलीव किया जाए गाइज तो पहले ये लोग जो है जीमैट वगैरह का एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद गाइज अभी इनका आई थिंक यूजीसी नेट का जीमैट का जो है एग्ज़ाम अभी होना है, और आई थिंक जेईई मेंस का एग्ज़ाम अभी ये लेने वाले हैं, और 28 जनवरी तक जो है इनका पूरा काम हो जाएगा। और उसके बाद गाइज ये लोग जो है अपना एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लेने की तैयारी करेंगे। ऑल्दो गाइज जो एनटीए के जो डीजी हैं उनका नाम है गाइज विनीत
जोशी उनका नाम है। तो गाइज उनका ये कहना है कि अभी हमारे पास कोई ऐसे ऑर्डर्स नहीं है, बट गाइज उन्होंने अभी जो है कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो भी रीड नहीं किए हैं कि कोर्ट ने क्या यहाँ पे कमेंट पास किया है। बट गाइज अगर इंडियन एक्सप्रेस के जो सोर्सेज हैं उनको बिलीव किया जाए तो गाइज ये एग्जाम जो है NTA ही लेने वाली है। गवर्नमेंट ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और आई थिंक इस महीने में गाइज जनवरी के महीने में इसके जो है डेट्स रिलीज कर दिए जाएंगे SSC के द्वारा कि कब ये एग्जाम होंगे। ओके गाइज, तो गाइज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे गाइज रिलेटेड कोई भी जो नेक्स्ट अपडेट होगा आपको यहाँ पे तुरंत ऑन टाइम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।